स्टेप नंबर वन, गेट इन द आईज ऑफ द क्राउड. अब इससे होगा क्या, इससे जो आपका पर्सनल अप्रोच है, अगर आज आपको 5 लोग जानते थे तो वो मल्टीप्लाई होके 100 टाइम्स भी जा सकता है. अब बेसिकली हाउ, इस एग्जांपल को समझो कि जब भी हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं या किसी स्ट्रीट परफॉर्मर को देखते हैं तो हम अपने दोस्तों को रोकते हैं एंड वी विल बी लाइक, ओ भाई इसको जानता है, तो दे विल से यस और दे विल से नो. बट इफ दे से यस देन वो आपको ऑलरेडी जानता है, इफ दे से नो तो वो बंदा आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है उससे. That means आपका approach बढ़ रहा है. And approach बढ़ने से क्या होगा कि people will get to know more about you. And when people will get to know more about you, the chances of being you getting funded is a lot more. Step number two, do free shows. Now it doesn't matter if you are a guitarist, if you are a freestyler, if you are a freestyle dancer, or any of the talent that you already have pursued. वो चीजें matter नहीं करती है. I personally did over 100 shows over street. Definitely, yes. I did over 100 street shows. Then only, जब लोगों ने मेरी तरफ देखा, step one को इसी में recapitulate करो. Crowd मुझ में connect होने लगी. And then I started getting paid shows. Well, now going on to step number three, that is building a platform. आप लोग या मैं, we all are on Instagram, right? We all are on YouTube, Facebook, Instagram, Tinder. नहीं, Tinder पे तो नहीं है हम लोग. I don't know. I'm not on Tinder. I support arranged marriage. One of us is on social platforms. तो उससे क्या होता है कि आपका भी एक अकाउंट होगा, मेरा भी एक अकाउंट होगा. तो पहली बात, जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसे बिजनेस अकाउंट में चेंज कर दो. Instagram की सेटिंग में जाओ, ट्यूटोरियल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो यू कैन इजिली वॉच इट आउट लाइक हाउ टू चेंज इट. उसके बाद स्टार्ट अपलोडिंग योर कॉन्टेंट, जस्ट लाइक आई डू फ्री स्टाइल फुटबॉल, सो आई कीप अपलोडिंग इट. मेक श्योर कि आपका एक ही नीश फॉलो हो. इफ यू आर मल्टी टैलेंटेड, लाइक यू कैन प्ले गिटार, यू आर अ स्केचिस्ट, यू आर अ कुक, डोंट एक ही पेज पे आप जो है ये सारी चीजें नहीं आउट कीजिए. क्योंकि जब भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करती है, वो आपका एक थीम देखते हुए चलती है. इट डजंट बी लाइक ये गिटारिस्ट है, so I'll get you as guitarist. क्योंकि आपका जब आप whenever you are scrolling the reels, आपका जो पहला अप्रोच रहता है वही हम इसको देख लेते हैं. I'll grand the finale. I said it wrong. Get in touch with organizations. Like how? कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कभी किसी इवेंट पे जाते हो, कभी किसी पार्टी पे जाते हो. इट रियली डिपेंड्स कि वेयर एवर यू आर गोइंग, वहां का जो इवेंट का हिसाब होता है, वट एवर द इवेंट इज गोइंग ऑन देयर, जस्ट गो एंड टॉक विद द पीपल हु ऑर्गेनाइज्ड इट. जस्ट आई एम डूइंग, जैसे मैं कर चुका हूं ये पास्ट में, आई हैव डन शोज विद स्वंजल, आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज. स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, अगर मैंने डाले होंगे. मैं थोड़ा सा काहिल इंसान हूं. तो वट एक्चुअली हैपन्स, यार एक तो ये रोजा लग रहा है ना, बट स्टिल समहाउ वी हैव टू डू आवर वर्क, राइट? तो आपका क्या होता है कि गो एंड टॉक टू द ऑर्गेनाइजेशंस. उससे क्या होगा कि आपका अगर कोई अपकमिंग शो है, देन यू विल बी, अगर दे आर अप टू इट, दे विल डेफिनेटली गो विद इट. अगर आप जो है 10 शोज में से आपने 10 के 10 में अप्रोच द मैनेजर और हूसोएवर इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, आपके उसमें 10 में से 4 तो बन ही जाएंगे, एंड 4 में से आप 3 में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही. सो 3 में से आपको एक तो ये होगा ही होगा. अगर आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, आई हैड एन इंटरव्यू विद रियल कश्मीर, यस. उसके बेसिस पे मुझे 3 और इंटरव्यू लिए गए ईटीवी की तरफ से, एंड 2 मोर चैनल्स, आई डोंट नो, न्यूज 18 समथिंग. सो यस, आई वुड हैव ड्रॉप्ड देम इन डाउन बिलो आल्सो, ओवरले कर दिया होगा मैंने. तो आपका अप्रोच बढ़ता है सोशल प्लेटफॉर्म से. याद है, इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, यहां पे भी आ रहा होगा. तो गो एंड फॉलो मी एंड आई विल श्योरली फॉलो यू बैक. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डू डीएम मी और यू कैन मेल मी, ईमेल आईडी विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अपकमिंग वीडियोस आफ्टर 2-3 डेज. टिल दैट, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम.